5.6 गति का तृतीय नियम, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। गति का तृतीय नियम समझने के लिए आइए एक क्रियाकलाप करें। क्रियाकलाप 5, एक स्प्रिंग बैलेंस ए लें तथा उसका स्थिर सिरा दीवार पर कील से लटका दें। स्प्रिंग के मुक्त सिरे को खींचे और लगाए गए बल का मान नोट करिए। एक और स्प्रिंग बैलेंस बी को ए से जोड़ें। अब ए और बी को एक साथ खींचें और मान नोट करिए। आप देखते हैं कि दोनों स्प्रिंग तुलाएं एक ही मान दर्शाती हैं। क्यों? उपर्युक्त उदाहरण में स्प्रिंग बैलेंस बी स्प्रिंग बैलेंस ए पर बल लगाता है और दूसरा स्प्रिंग बैलेंस ए स्प्रिंग बैलेंस बी पर समान बल विपरीत दिशा में लगाता है। दोनों समान बल दो अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर विपरीत दिशा में समान बल लगाती है। वस्तुओं पर लग रहे इन बलों के जोड़ों को क्रिया प्रतिक्रिया कहा जाता है। गति के तीसरे नियम को समझने के लिए चलिए बच्चों हम एक क्रियाकलाप करते हैं। इस क्रियाकलाप के लिए मेरे पास दो स्प्रिंग बैलेंस है। इस दोनों स्प्रिंग बैलेंस को हम ए और बी का नाम दे देते हैं और अपने क्रियाकलाप को हम इस स्प्रिंग बैलेंस ए से शुरू करते हैं। इसके लिए इस स्प्रिंग बैलेंस को इस प्रकार से हम रखेंगे और इस पर हम बल लगाएंगे। देखिए बच्चों, आपको स्प्रिंग बैलेंस में कितना बल दिखाई दे रहा है? 1 न्यूटन का बल हमें दिख रहा है, ठीक है। तो चलिए अब हम अपने इस दूसरे स्प्रिंग बैलेंस बी को भी इस स्प्रिंग बैलेंस में जोड़ देते हैं। और उसके बाद बल लगाने की प्रक्रिया को दोहराते हैं। देखिए इस प्रकार हम इस पर भी बल लगा रहे हैं। क्या दिख रहा है आपको? दोनों स्प्रिंग बैलेंस में आपको 1 न्यूटन का बल दिखाई दे रहा है। तो हमने यह पाया कि जब हम बल लगा रहे हैं तो दोनों ही स्प्रिंग बैलेंस में हमें समान बल दिखाई दे रहा है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हमने स्प्रिंग बैलेंस बी में बल लगाया तो वो 1 न्यूटन का बल आपको स्प्रिंग बैलेंस बी में दिखा और जो बल स्प्रिंग बैलेंस ए बी पर लगा रहा है वो उसकी विपरीत दिशा में है और वो भी समान है, इसलिए आपको इसमें भी 1 न्यूटन का बल दिखाई दे रहा है। तो जब भी कोई वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर बल लगाती है और बल के इन्हीं जोड़ों को हम क्रिया और प्रतिक्रिया कहते हैं। गति का तीसरा नियम भी यही कहता है कि प्रत्येक क्रिया की बराबर लेकिन विपरीत प्रतिक्रिया होती है। गति के तीसरे नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया की सदैव बराबर एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। क्रिया और प्रतिक्रिया बल सदैव दो अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं, इसलिए बल सदैव समान और विपरीत दिशा में होने पर भी नेट बल शून्य नहीं होता। जब आप चलते हैं तो क्या होता है? चलना शुरू करने के लिए बल की आवश्यकता होती है जिससे त्वरण उत्पन्न होता है। त्वरण उत्पन्न करने के लिए जिस दिशा में हमें आगे बढ़ना होता है उसके विपरीत दिशा में हम सड़क पर अपने पैरों से बल लगाते हैं। सड़क भी हमारे पैरों पर उतनी ही प्रतिक्रिया बल विपरीत दिशा में लगाती है जिससे हम आगे बढ़ते हैं। ध्यान दें कि यद्यपि क्रिया और प्रतिक्रिया बल मान में हमेशा समान होते हैं फिर भी यह बल एक समान परिमाण के त्वरण उत्पन्न नहीं करते क्योंकि दोनों वस्तुओं का द्रव्यमान एक सा नहीं होता। हमारे धकेलने से पृथ्वी पीछे की ओर चलना शुरू नहीं करती किंतु हमें आगे की ओर जरूर त्वरण से गति मिल जाती है। यदि ए वस्तु बी वस्तु पर F1 बल लगाए और बी वस्तु ए वस्तु पर F2 बल लगाए तो गति के तृतीय नियम के अनुसार F1 = -F2। यहाँ ऋणात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि बल F2 की दिशा F1 के विपरीत है। गति का प्रथम एवं द्वितीय नियम एक ही वस्तु पर लागू होता है जबकि तृतीय नियम दो परस्पर क्रिया कर रही वस्तुओं पर लागू होता है। क्रिया प्रतिक्रिया वे बल दर्शाती हैं जो एक ही समय पर दो अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करती हैं।